ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सरल मंत्र जिससे कि किसी भी स्त्री पुरुष को अपने वशीभूत किया जा सकता है। ये एक ऐसा मंत्र है जो कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई आपको ना दे। इतना सटीक मंत्र की एक बार ही लगा देने से लग जाए, आज मैं आपको ये देने वाला हूँ। इस मोहिनी मंत्र को कभी भी किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रयोग में ना लाएं, क्योंकि ये इतना प्रभावी है कि पहले ही दिन से आपको असर दिखाना शुरू कर देगा। अब तक मैंने जिस को ये मंत्र दिया है उसके लिए इसने बखूबी काम किया है। एक बार यदि इसको लगा दिया जाए तो सामने वाला जन्म जन्मांतर तक आपके पैर की मिट्टी उठाता फिरेगा। बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी कोई असली मोहिनी मंत्र दीजिए, कुछ ऐसा दीजिए जिससे कि पहले ही बार में असर हो जाए। तो देखिए, मंत्र तो सारे असली होते, लेकिन जो एनर्जीज होती हैं वो आपके भीतर होती हैं। लगाने वाला कैसा है, उसकी साधनाएं कैसी हैं, ये देखा जाता है। अब कई लोग ऐसे भी हैं जो कि पहली बार में लगा लेते हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो एक एक साल लगे रहते हैं तो भी उनका नहीं होता। तो लगभग 20 साल पहले मैंने ये मंत्र किसी को दिया था और इस मंत्र ने उसका काम एक ही घंटे में बना दिया था। तो इस मंत्र को जो भी इच्छुक हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, और बहुत ही सरल है। आपको क्या करना है कि ये छोटा सा मंत्र जो है इसका जाप शुरू कर देना है। इसके लिए आपको या तो ग्रहण काल देखना होगा या फिर पूर्णिमा, इनमें आपको ये मंत्र जाप शुरू कर देना है। इससे पहले कि आप मंत्र जाप शुरू करें, आपको कुछ सावधानियां हैं रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आप सात्विक हो जाइए। जो भी मांस मदिरा अंडे बीड़ी गुटखा शराब ये जितना भी व्यसन है इसको सेवन ना करें। जब तक साधना करें, अगर आपसे रहा ही नहीं जाता तो जब तक साधना करें तब तक इसको छुए बिना, मैं तो ये कहूँगा कि इसको सोचे बिना, क्योंकि मंत्रों में आपके विचारों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इसके बाद जब आप सात्विक हो जाएं एक महीने के लिए, उसके बाद इस प्रयोग को शुरू कीजिएगा। प्रयोग करने का दिन रहेगा शुक्रवार। शुक्रवार से इस साधना को प्रारंभ कीजिएगा और उसके बाद आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे दिन होते हैं, वार होते हैं, नक्षत्र होता है, तो इस मंत्र का जो दिन है वो है शुक्रवार। अगर इस दिन आप इसको कर देते हैं तो ये स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। इसकी सिद्धि 1008 पर हो जाएगी। 1008 की इस संख्या में इसका जाप कीजिएगा एक ही जगह बैठकर। निरंतर आपको एक ही स्थान पर करना है। ये ना हो कि आज आपने एक ये वाला कमरा बनाया और अगले दिन कुछ दूसरा बना लिया। एक ऐसा कमरा बनाएं जो सिर्फ आपके लिए हो, आपकी साधनाओं के लिए हो, खुला हवादार, जहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंड हो, आप आराम से बैठकर साधनाएं कर सके और आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। उस समय पर एक घंटा दो घंटा जब भी आप करें तो आपको कोई डिस्टर्ब ना करें। एक ऐसा स्थान बना लें, या तो कोई वन देख लें, वन में कोई झाड़ी जंगल ऐसा कुछ देखें, कोई गुफा देख लें, या फिर कोई माउंटेन का टॉप देख लें, या फिर कोई ऐसी खंडर हो जहाँ पर आप इस साधना को कर सके। तो ऐसा स्थान ढूंढना है जहाँ पर कि दूर दूर तक किसी इंसान की आवाजाही ना हो, क्योंकि जब ये प्रयोग हम करते हैं तो इस प्रयोग में कुछ ऐसी गुप्त शक्तियाँ आती हैं जो कि इस धरा की नहीं हैं, अलौकिक हैं, दूसरी दुनिया से चीज़ें आती हैं जो कि दो आदमियों के सामने नहीं आती हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी इसका प्रयोग करें तो एकांत में जाकर करें। एकांत में यदि आप इसका गुम्फन करते हैं तो वो सारी शक्तियां आकर्षित होंगी। आपने देखा होगा जब आप अकेले होते हैं तब आपको डर लगता है, जब आप किसी के साथ होते हैं तब आपको डर नहीं लगता है। तो ये इसी
प्रकार से है, जैसे कि जो भी शक्तियां हैं वो आपको अकेला देखकर आपके पास आती हैं, जब आप किसी के साथ होते हैं तो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि घर में बैठ के कर लेंगे तो ये 10% काम करेगा। घर में ऐसा कुछ ना कीजिएगा, आप कोई ऐसी जगह ढूंढिएगा जहाँ पर कि इंसान की जो है आवाजाही ना हो दूर दूर तक, और इस मंत्र का गुम्फन शुरू कर दीजिएगा 1008 की संख्या में। आपको 7 दिन इसका जाप करना है। मंत्र है ओम कुंभनी स्वाहा। ओम कुंभनी स्वाहा, इस मंत्र का जाप करते रहिए। यदि आप चाहें तो थोड़ी सी आग जलाएं और उस पर नमक और राई से इसका थोड़ी थोड़ी आहुतियाँ देते जाएं और इस मंत्र का जाप करते जाएं, तो ये बहुत जल्दी फलित होता है। इस तरह से किया गया मंत्र बहुत जल्दी फलित होता है। अगर आप एक छोटी सी आग या फिर अपना हवन कुंड ले जाएं या फिर वहाँ पर बना लें और उसमें थोड़ा थोड़ा नमक और राई से इसका हवन करने से जब 1008 पूरा हो जाए तो नमस्कार करके आप वापस आ जाएं, तो ये 11 दिनों में सिद्ध हो जाएगा। आपको 7 से 11 दिन तक इसको पूरा करना है और उसके बाद जो है ये आपको फल देना शुरू कर देगा। अब इसको लगाना कैसा है, जैसे कि आपने ये सिद्ध कर लिया, अब बिना पीछे देखे अपने घर आ जाएं। और जब ये सब आप कर रहे हो, जैसे आपने कोई स्थान बनाया है, कोई जंगल में सोचिए या फिर कोई डैन हो, कोई गुफा हो, वहाँ पर आपने ये स्थान बनाया है, तो स्थान में ऐसा कीजिएगा कि उसमें कोई दूसरा प्रवेश ना कर पाए, सिर्फ आप हों और वो शक्तियाँ हों। जब आप इससे बाहर निकल जाएं तो ऐसा कीजिएगा कि इसमें कोई घुस ना पाए, कोई जा ना पाए। इसके बाद वापस आ जाइए आँख मूंद कर, और जब आपका 11वां या फिर 7वां दिन हो, या तो इसको 7 दिन कीजिएगा या फिर 11 दिन कीजिएगा, तो जब आपका 11वां दिन हो तो आप इसमें कुंभनी को आमंत्रित कीजिएगा। कुछ मीठा ले जाएं, कुछ फूल बेलपत्र, कुछ फल जो ऋतु फल होते हैं वो ले जाएं। आखिर में आपको इसका उद्यापन करना है, वहाँ पर रख दें और माँ कुंभनी को जो है आप आवाहन कीजिए कि आएं और ये जो मेरा ये कर्म है इसका आप स्थापना करें, इसको पूरा करें। तो ये जो मोहिनी का मंत्र है ये माँ कुंभनी के द्वारा पूरा किया जाएगा। और इस अंतराल में जब ये 11 दिन होंगे इसमें आपको भिन्न भिन्न तरह के सपने आएंगे, उससे डरिएगा मत। आपको हो सकता है कि उसी स्थान के सपने आए और कोई कुछ बताए, तो जैसा जैसा आपको सपने में बताया जाता है बिल्कुल वैसा ही कीजिएगा। यदि सपने में बताया जाए कि सामने वाले व्यक्ति पर कुछ किया कराया है तो उस व्यक्ति पर किया कराया होगा, तो आपको पहले उसका किया कराया हटाना पड़ेगा। और यदि कोई सपना ना आए तो बहुत बेहतर है, मतलब कि आपका जो मंत्र है वो सिद्ध हो गया है। आखिर में ये सारा अनुष्ठान करके माँ कुंभिनी को नमस्कार कीजिए और अपनी जो मन की व्यथा है वो सुनाइए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा चाहिए और ये परेशानियां हैं, इनको दूर करें, इसलिए मैंने ये अनुष्ठान किया है। और उसके बाद हाथ जोड़कर वापस अपने घर की ओर आ जाएं। और आते ही साथ आपको नहाना है। नहाने के बाद आपको इस मंत्र का 108 की संख्या में जाप करना है नहाने के बाद, फिर ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब जब भी किसी को आकर्षित करना हो, तो कोई भी खाने पीने की चीज़ हो, कुछ भी ऐसा हो जो कि आप किसी को खाने में दे सकें या फिर पीने के लिए दे सकें, उसमें आपको इसको 7 बार अभिमंत्रित कर देना है। ये मंत्र ओम कुंभिनी स्वाहा बोलकर 7 बार बोलिए और उस पानी पे या फिर उस खाने वाली चीज़ पर आपको फूंक मारनी है। ये फूंक मारकर आप दे दीजिए। यदि आप किसी जैसे किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और वहाँ सामने अगर ऐसा करना पड़ जाए तो आपको क्या करना है कि आप वो जो बॉटल है उसको हाथ में उठाएं और उस पर ये मंत्र पढ़ दें। बहुत छोटा है, बहुत सरल है, या आप आराम से कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मोहिनी उन पर लग जाएगी और ये एक ऐसी विद्या है जो कि रातों रात असर करती है। इसका असर आप पहले ही दिन से देख पाएंगे। जो सामने वाला होगा वो व्याकुल हो जाएगा, भूख प्यास सब भूलकर सिर्फ आप ही के बारे में सोचेगा। ये इतना खतरनाक मंत्र है कि इसको पहले के ज़माने में दुश्मनी निकालने के लिए भी प्रयोग में किया जाता था, लेकिन
आप इसका कभी भी किसी भी तरह से इसका दुरुपयोग ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो शक्तियाँ हैं वो जब आपका हित कर सकती हैं तो अहित भी कर सकती हैं। तो अपने विवेक से काम लें और कभी भी इस मंत्र का किसी को हानि पहुंचाने के लिए, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए प्रयोग में ना लाएं। अगर मन में सच्चा प्यार है तो इस मंत्र का प्रयोग कीजिएगा, तो सामने वाला ना दिन दिखेगा ना रात, बस आप ही के बारे में सोचता रहेगा। ये इतना प्रभावी है कि सामने वाला इतना व्याकुल हो जाएगा कि बस रोता रहेगा जब तक आपको ना देख ले। तो किसी भी तरह का कुछ कोई प्रश्न हो, कुछ रह गया हो, मंत्र समझ में ना आ रहा हो, तो कॉल कीजिएगा 999-284-1625। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो 24 घंटे के भीतर मैं उसका समाधान करूँगा। धन्यवाद।